नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बारिश को लेकर। बिहार में बदले मौसम के बीच में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में बादल खूब बरसे हैं। मौसम विभाग की माने तो बरसात में होने वाली बारिश की तरह प्रदेश में इन दिनों बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि पटना सहित कई जगहों पर पिछले कई सालों में बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। शुक्रवार को कई जगहों पर भारी बारिश के बीच में ओलावृष्टि हुई है। मोतिहारी में ओलावृष्टि ने पर्वतीय प्रदेशों के जैसा नज़ारा बन गया था। विभाग ने यह भी बताया है कि राजधानी पटना में 6 फरवरी 1949 को इतनी बारिश हुई थी जितनी कि पिछले दिनों राजधानी पटना समेत इसके आसपास के जिलों में दर्ज की गई है। इधर मौसम विभाग ने की जानकारों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव, बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवा और बिहार से गुजर रही टर्फ लाइट की वजह से पटना समेत लगभग पूरे बिहार में तेजी से मौसम बदल रहा है और इस दौरान कई जगहों पर भारी बारिश भी हुई है। पटना समेत प्रदेश के 20 से लेकर 40 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवा चल रही है। पटना के विक्रम के अलावा नवादा, मोतिहारी, बक्सर, समस्तीपुर समेत कई जिलों में ओले गिरे हैं। शुक्रवार को मोतिहारी में इतने अधिक ओले गिरे कि सड़कों और खेतों पर सफ़ेद चादर जैसा नज़ारा देखने को मिला। इस दौरान मुजफ्फरपुर, वैशाली, बगहा, खगड़िया, सहरसा, मुंगेर, नवादा, समस्तीपुर, शेखपुरा, नालंदा, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी और सारण में वज्रपात की घटनाएं भी हुई है। इस दौरान मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 5 फरवरी को भी पटना समेत पूरे राज्य में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि बिजली भी चमकने की बात कही है। बादलों की गरज के साथ बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। 5 फरवरी को किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अगले 24 घंटे में मुजफ्फरपुर, खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर में ओला गिरने की संभावना जताई गई है। इसको लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 48 घंटे में न्यूनतम पारा 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ने की बात कही गई है। मौसम की जानकारों की माने तो 6 फरवरी से मौसम शुष्क होने की आशंका है। इस दौरान तापमान में काफ़ी कमी आने की भी संभावना जताई गई है। पटना में भी तेज हवा चलेगी और तेज गर्जन के साथ हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। शुक्रवार की हुई बारिश से किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस दौरान ओलावृष्टि से सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इस समय सरसों की फसल में फूल निकल रहा है। अगौती यानी कि पहले से सरसों के खेतों में फली आने लगे हैं, यानी कि जो शुरुआती जो फसल है सरसों की उसमें जो है अब फली आने शुरू हो गई है। उसके साथ साथ ओलावृष्टि से सरसों की फसलों को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ सरसों के साथ साथ राई, मटर, चना, मसूर और आलू की खेती को भी जो है नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पटना के अध्यक्ष डॉक्टर शंभु कुमार ने आलू और दलहन की फसलों में जमा पानी को निकालने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि खेत में पानी नहीं निकाला गया तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, आलू सड़ जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेढ़ों को काटें और यहाँ पर जिंक का छिड़काव करें ताकि जो है आलू बच सके। एक तरह से कह लें कि यह जो ओलावृष्टि हुई किसानों को लेकर जो है एक तरह से कह लें कि दोहरी मार है। एक तो उनका फसल बर्बाद हुआ और उनके जो लगाए गए जो राशि थी इस फसल के दौरान उसका भी जो है नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि बिहार सरकार ने इसके लिए जांच के भी आदेश दिए हैं, तो ऐसे में आने वाले दिनों में यह साफ हो पाएगा कि इस फसलों को लेकर सरकार कितना गंभीर है। फिलहाल अगर हम मौसम की बात कर लें तो प्रदेश के कई जिलों में अभी भी जो है येलो अलर्ट जारी किया गया, साथ ही साथ वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।